टाइप की कॉटन की धोती ली है जो बनी बनाई है, आप देख रहे हो ये इस टाइप की है, एंड ये कॉटन की है। आजकल सिंथेटिक भी मिल रहे हैं एंड नायलॉन वाले भी मिल रहे हैं, बट वो क्या होते हैं बच्चों को गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, इरिटेट हो जाएंगे बच्चे, इसलिए आपको कॉटन की ही लेनी है। और ये देखो अच्छी है। एंड आप चाहो अगर आपको कुर्ती नहीं पहनानी तो आप इस तरीके के जय श्री कृष्णा का दुपट्टा ले सकते हो, जो आप गले में बच्चों के डालने से बच्चों का जो लुक आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो इस टाइप का आप ये कैरी कर सकते हो धोती के साथ। एंड मैंने ये इसके लिए कॉटन का कुर्ता लिया है, जय श्री कृष्णा बना हुआ जिसपे लिटिल कृष्णा, एंड ये डार्क कलर में, डार्क येलो कलर में, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लाइट कलर भी है बट डार्क कलर बच्चों के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं एंड उनका लुक भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने डार्क कलर बाय किया है लाइट की जगह। एंड कृष्णा का लुक बिना बांसुरी के तो पूरा होता ही नहीं, तो मैंने इसके लिए बांसुरी ली है। एंड मैं सोच रही हूँ अभी अगर हो पाया तो मैं यहाँ पे DIY एक्टिविटी के थ्रू इसे थोड़ा सा वो डेकोरेट कर दूंगी। एंड कृष्णा की बात की जाए और मुकुट की बात की जाए तो मुकुट के बिना तो लुक आधा अधूरा रह जाता है, तो मैंने ये मुकुट लिया है अभी। एंड इन केस अगर आप लोगों को मुकुट के साथ एक रिबन भी एक्स्ट्रा में आपको लेना चाहिए, ये अगर टाइट नहीं है और आपको जरूरत पड़े छोटी है तो बच्चों के साइज के अकॉर्डिंग आप रिबन से यहाँ पे अटैच कर सकते हो। अगर ये आपके बेबी के लिए छोटे रहते हैं डोरे, तो मैंने ये रिबन बाय किया है इसके लिए, तो यहाँ से मैं सिल्क के ये रिबन लगा सकती हूँ। एंड मैंने एक मोर पंखी भी ली है जो मैं इसके साथ यहाँ पे लगाऊंगी इस तरीके से। इस तरीके से आप देख रहे हो ये लुक आएगा, तो मैंने अभी यहाँ पे चिपकाया नहीं है, तो यहाँ पे मैं यहाँ इस तरीके से इसे चिपका दूंगी, तो इससे काफी अच्छा लुक आएगा इसका। एंड मोर पंखी के थ्रू ही जो मुकुट होता है वो पूरा लुक देता है, फिनिशिंग लुक जो आप बोल सकते हो उसे, इसके थ्रू इसे फिनिशिंग लुक मिलेगा। एंड मैंने यहाँ पे माला ली है इसके लिए, इस टाइप की दो माला ली है। एंड मैंने एक कुमकुम लिया है रेड एंड व्हाइट कलर का, जो इसके तिलक के टाइम पे काम आएगा। एंड ये जो मेकअप आलता और कुमकुम, ये जब सोएगा मैं उसी टाइम पे इसे लगाऊंगी, क्योंकि उससे पहले लगवाएगा नहीं, तो उसी टाइम पे मैं इसे ये आलता और कुमकुम लगाऊंगी। एंड ये मैंने बाजूबंद लिए इसके हाथों में, इन केस मैं अगर इसके लिए कुर्ती नहीं पहनाती हूँ और ओनली धोती एंड दुपट्टा यूज में लेती हूँ तो मुझे बाजूबंद की नीड होगी हाथों में पहनाने के लिए, तो मैंने ये बाजूबंद लिए इसके लिए। बाबू बांसुरी तो बजा के बता दो एक बार मम्मा को प्लीज। बांसुरी कैसे बजाता है मेरा कृष्णा है? मेरा कृष्णा कैसे बजाता है? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और मुझे वीडियो का बेस्ट पार्ट भी बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आप किस टाइप की वीडियो देखना पसंद करोगे, वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए।